प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का दिशा जीके पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश से जो पिछले एग्जाम के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे हुए उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और विद्यार्थियों, आप साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठना और क्वेश्चन के आसपास जितनी भी और जानकारी बता रहा हूँ वह जानकारी अपने नोटबुक के अंदर ऐड करते जाना। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो राजस्थान के अंदर तारा बालू का स्तूप पोकरण जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर जिले के अंदर। तो प्रश्न पूछा जाता है कि तारा बालू का स्तूप राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र विशेष पाया जाता है? मोहनगढ़ जैसलमेर में तो पाया जाता है, सूरतगढ़ गंगानगर में पाया जाता है, इसके अलावा पोकरण जैसलमेर के अंदर भी पाया जाता है। और ये तारा बालू का स्तूप जो पथरीला मरुस्थल होता है जिसे बोलते हैं हमादा, और उस हमादा के आसपास पाया जाने वाला जो तारे की आकृति होता है उसे बोलते हैं हम तारा बालू का स्तूप, जो मुख्यतः पोकरण जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर जिले के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? विद्यार्थियों, यदि बालू के स्तूप को अध्ययन की दृष्टि से देखें तो दो प्रकार होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं, और वह दो कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है अनुदेद्री बालू का स्तूप, एक होता है अनुदेद्रीय, यानी कि एक होता है अनुदेद्रीय बालू का स्तूप और एक होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो अनुदेद्रीय बालू का स्तूप होता है ये पवन के समानांतर बनता है, यानी कि पवन की दिशा के समानांतर बनता है। इसे पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। और प्रश्न पूछा जाएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के कौन कौन से उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा एक तो सीप होता है, एक सीप होता है, एक वनस्पति युक्त रेखीय बालू का स्तूप, एक पवन विमुख रेखीय बालू का स्तूप जो कि अनुदेद्रीय बालू का स्तूप होते हैं। और ये अनुदेद्रीय बालू का स्तूप जिसकी ऊंचाई पूछी जाती है तो 10 से 60 मीटर ऊंचा होता है, और ये मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर इन जिलों के अंदर, इनकी जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले, इन तीनों जिलों के अंदर मुख्यतः अनुदेद्रीय बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो एक बार दोबारा सुनना कि अनुदेद्रीय बालू का स्तूप जो पवन के समानांतर बनते हैं जिसे हम पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, जिसे हम रेखीय बालू का स्तूप के नाम से जाना जाते हैं, और इसकी औसत ऊंचाई 10 से 60 मीटर होती है। और इसके उदाहरण के अंदर बात करें एक सीप बालू का स्तूप जो कि अनुदेद्रीय बालू का स्तूप का उदाहरण होता है, एक मुख्य रूप से वनस्पति युक्त रेखीय बालू का स्तूप, एक पवन विमुख रेखीय बालू का स्तूप जो कि अनुदेद्रीय बालू का स्तूप का उदाहरण होता है। एक होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप समकोण पर बनता है। कहाँ पर बनता है? समकोण पर, यानी कि पवन के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप जिसे हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। और जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है जिसे हम बरखान बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है, जिसे हम परवलिक बालू का स्तूप या पैराबोलिक बालू का स्तूप जो कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का उदाहरण माना जाता है। और ये मुख्यतः पुंगल के अंदर, पुंगल बीकानेर के अंतर्गत, इसके अलावा दक्षिणी गंगानगर में और रावतसर हनुमानगढ़ जिले के अंदर और थोड़ा बहुत चूरू और झुंझुनू जिले के अंदर पाया जाता है। और झुंझुनू जिले के अंदर ये मुख्यतः देखने को मिलता है। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो पवन के समकोण पर बनता है ये अर्धचंद्राकार होता है। इसके उदाहरण की बात करें तो बरखान बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है, परवलिक बालू का स्तूप या पैराबोलिक बालू का स्तूप जो कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है। और इसके क्षेत्र की बात करें तो ये पुंगल, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, रावतसर, हनुमानगढ़ और चूरू झुंझुनू क्षेत्र के अंदर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। और जो इस अनुप्रस्थ बालू की
औसत ऊंचाई होती है वह 10 से 40 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। तो ये इन दोनों के अंदर अंतर होगा। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा पहला इसका आंसर, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो बीकानेर जिले के पुंगलगढ़ के चारों ओर ये मुख्य रूप से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? अभी हमने देखा कि अनुप्रस्थ बालू के स्तूप के उदाहरण के अंदर हमने देखा था बरखान बालू का स्तूप, जिसे हम अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है। इस बरखान चंद्र, ये बरखान बालू का स्तूप जिसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का उदाहरण होता है, इसे गतिशील बालू का स्तूप कहा जाता है, इसे रंध्र युक्त बालू का स्तूप कहा जाता है, और ये सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप होता है जो कि मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देता है। अर्थात मरुस्थल का फैलाव के अंदर सर्वाधिक योगदान कौन सा बालू का स्तूप देता है? तो आपका आंसर होगा बरखान बालू का स्तूप। और ये बरखान बालू का स्तूप जो मुख्यतः इसकी जो ऊंचाई होती है वह 10 से 20 मीटर इसकी ऊंचाई होती है बरखान बालू का स्तूप की। और बरखान बालू का स्तूप जो इसकी समवर्षा रेखा होती है यानी कि 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम क्षेत्र, 20 सेंटीमीटर समरेखा यानी समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर बरखान बालू का स्तूप पाया जाता है? तो ये ओशिया जोधपुर के अंदर पाया जाता है, भालेरी चूरू के अंदर पाया जाता है, और देशनोक बीकानेर के अंदर पाया जाता है, लूणकरणसर बीकानेर में पाया जाता है, सूरतगढ़ गंगानगर में पाया जाता है, और जैसलमेर जिले के अंदर ये मुख्यतः बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्थान विशेष है इसका भी नोट कर देना। इसके अंदर एक ऑप्शन है खड़ी, यानी कि जैसलमेर जिले के अंदर परंपरागत जो कृषि की जाती है उसे हम खड़ीन कहा जाता है, और जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो परंपरागत कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? खड़ीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया 2021 के एग्जाम में, व्याख्या था बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बरखान बालू का स्तूप 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, यानी कि 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं जो कि सर्वाधिक गतिशील होते हैं, रंध्र युक्त होते हैं, और अनुप्रस्थ बालू के स्तूप का उदाहरण माना जाता है। और ये मुख्यतः ओशिया जोधपुर के अंदर, भालेरी चूरू में, देशनोक बीकानेर में, लूणकरणसर बीकानेर के अंदर, सूरतगढ़ गंगानगर में, वह जैसलमेर जिले के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा बालू का स्तूप? बरखान बालू का स्तूप। अगला क्वेश्चन, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ओशिया जोधपुर में पाया जाता है, भालेरी चूरू में पाया जाता है, देशनोक बीकानेर में पाया जाता है, इसके अलावा लूणकरणसर बीकानेर, सूरतगढ़ गंगानगर और जैसलमेर जिले में मुख्यतः बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलता है। इसका आंसर कौन सा हुआ? एक नंबर, दो नंबर व तीन नंबर, यानी कि इसका आंसर हुआ तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है? तो बरखान स्थलाकृति मुख्यतः मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, सीप एक है, अभी हमने बात की थी अनुप्रस्थ और अनुदेद्रीय, जब दोनों का अंतर पड़ रहे थे तो हमने बात की थी अनुदेद्रीय बालू का स्तूप का उदाहरण माना जाता सीप, और अनुदेद्रीय ऐसे बालू का स्तूप जो पवन के समानांतर बनते हैं, और जिसे हम पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, जिसे रेखीय बालू का स्तूप, और इसके उदाहरण क्या हमने देखे थे? सीप बालू का स्तूप, वनस्पति युक्त रेखीय बालू का स्तूप, पवन विमुख रेखीय बालू का स्तूप। ये जो तीन बालू के स्तूप होते हैं ये अनुप्रस्थ बालू के स्तूप के उदाहरण माने जाते हैं, और अनुदेद्रीय बालू के स्तूप के उदाहरण माने जाते हैं। और ये अनुप्रस्थ बालू के स्तूप के उदाहरण के अंदर बात करें तो एक तो बरखान और एक परवलिक या पैराबोलिक बालू का स्तूप जो कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वस्तदी नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं?
घग्गर नदी कह सकते हो, घग्गर नदी के अंदर रेत के बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने तारा बालू का स्तूप देखा था, और तारा बालू का स्तूप मुख्यतः पोखरण, जैसलमेर, मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर जिले के अंदर तारा बालू का स्तूप देखने को मिलता है। और पैराबोलिक बालू का स्तूप थार के मरुस्थल के सभी क्षेत्रों के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलता है। और बरखान बालू का स्तूप अभी हमने देखा ओशिया जोधपुर, बालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर, लूणकरण सर बीकानेर, सूरतगढ़ गंगानगर और जैसलमेर जिले के अंदर मुख्यतः ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान के अंदर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के कौन कौन से बालू का स्तूप है? अभी हमने देखा था बरखान बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का उदाहरण है, लेकिन सीप बालू का स्तूप अनुदेद्रीय बालू का स्तूप का उदाहरण, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा है कि बरखान बालू का स्तूप और परवलिक बालू का स्तूप या पेराबोलिक बालू का स्तूप जो कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का उदाहरण माना जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? दो नंबर का। लेकिन एक सीप बालू का स्तूप कौन सा, एक सीप बालू का स्तूप और एक पवन विमुख रेखीय और एक वनस्पति युक्त रेखीय और एक सीप बालू का स्तूप, ये तीनों ही अनुदेद्रीय बालू का स्तूप का उदाहरण माना जाता है। किसका? अनुदेद्रीय बालू के स्तूप के तीन उदाहरण, एक तो सीप बालू का स्तूप, एक पवन विमुख रेखीय बालू का स्तूप, वनस्पति युक्त रेखीय बालू का स्तूप जो कि अनुदेद्रीय बालू के स्तूप का उदाहरण माना जाता है। और अनुप्रस्थ बालू के स्तूप के उदाहरण की बात करें तो बरखान बालू का स्तूप, परवली बालू का स्तूप या पेराबोलिक बालू का स्तूप जो कि महिला के बक्कल के समान होता है, और बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है जो कि पवन या हवा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप होता है। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूप से पट्टी पड़ी है, यानी कि थार मरुस्थल में स्थलाकृति किस प्रकार? थार मरुस्थल में सर्वाधिक जो बालू के स्तूप पाए जाते हैं वे पेराबोलिक बालू के स्तूप पाए जाते हैं सर्वाधिकतर। मुख्य रूप से कौन से होते हैं? पेराबोलिक बालू का स्तूप जो कि थार मरुस्थल में सर्वाधिक हमें देखने को मिलते हैं। किस में मिलते हैं? थार मरुस्थल के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? जब हम मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल के हम दो भाग पड़ते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। और जब शुष्क मरुस्थल के ही हम दो भाग पड़ते हैं, एक तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। और जब बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की बात करते हैं, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.50% है, और ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र फलोदी जोधपुर पोखरण क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। इसका आंसर हुआ चार नंबर का। अगला क्वेश्चन, वापिस क्वेश्चन आया कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू झुंझुनू जिले में मिलते हैं। जी हाँ, हमने जब अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पढ़ा था तो इसके अंदर पूंगल बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, रावतसर हनुमानगढ़ और चूरू व झुंझुनू जिले के अंदर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। इसका मतलब पहला कथन तो सही हुआ। दूसरा है कि अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जी हाँ, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर के अंदर भी मिलते हैं। और एक इसके साथ साथ नोट्स में ऐड कर लेना, बेरहाट के जो बेरहाट जयपुर के अंदर इसके आसपास और पुष्कर के आसपास अवरोधी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है? जी नहीं, क्योंकि सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर जिले में पाए जाते हैं, और सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर जिले के अंदर पाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? एक नंबर व दो नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है,
तो राजस्थान के अंदर ड्यून मुक ट्रैक्ट बीकानेर जैसलमेर फलोदी व पोकरण क्षेत्र को जिसे ड्यून मुक्त ट्रैक्ट क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, यानी कि लाठी सीरीज एक जैसलमेर के अंदर पोकरण से मोहनगढ़ तक फैली चौड़ी भूगर्भीय जल पट्टी है। इसे बोलते हैं भौगोलिक बेल्ट, यानी कि ये भौगोलिक बेल्ट या भूमिगत जल पट्टी कहा जाता है। और इसी पर चांदल का नलकूप स्थित है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। और इसी लाठी सीरी क्षेत्र पर जो एक घास पाई जाती है उसे बोलते हैं सेवन घास, और ये सेवन घास सर्वाधिक पौष्टिक घास होती है, और ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पौष्टिक घास होती है सेवन घास, जो कि लाठी सीरी क्षेत्र के अंदर भी पाई जाती है। इसका आंसर हुआ एक नंबर का, सेवन घास कहाँ पाई जाती है? भूमिगत जल पट्टी जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है इसी के ऊपर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो थार का घड़ा चांदल नलकूप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जिसे नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है? तो वह जैसलमेर जिले में स्थित है। जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो कि जैसलमेर जिले के अंदर आकल गांव में स्थित है, जहां पर काष्ठ जीवाश्म के साक्ष्य मिले, और यहां पर 18 करोड़ वर्ष पूर्व सागरीय जीवाश्म के अवशेष मिले और जो कि जुरासिक काल के थे। और इस आकल वुड जीवाश्म यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष भी मिलते हैं। और जब हम इसका निर्माण की बात करते हैं मरुस्थल का, तो मरुस्थल का जो अवशेष माना जाता है वह 33 सागर का अवशेष माना जाता है, इसलिए यहाँ पर जो कि सागरीय जीवाश्म के भी अवशेष मिलते हैं जो कि जुरासिक युग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर जिले में जैसलमेर में स्थित आकल काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग कितनी मानी है? तो ये 18 करोड़ वर्ष मानी गई है। कितनी है? 18 करोड़ वर्ष जो आकल जीवाश्म की फॉसिल पार्क में स्थित है 18 करोड़ वर्ष मानी गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में थार मरुस्थल का भाग है। अब थार मरुस्थल के कौन से भाग है? गोडवान प्रदेश थार मरुस्थल का भाग है, सिकावटी आंतरिक अपतंत्र ये भी थार मरुस्थल का भाग है, बनास नदी जो बनास का मैदान ये थार मरुस्थल का भाग नहीं है क्योंकि ये पूर्वी नदी बेसिन का भाग है, और घग्गर का मैदान जो कि थार मरुस्थल का भाग है। जब हम थार मरुस्थल के जब राजस्थान में दो भागों में अध्ययन करते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थल एक अर्ध शुष्क मरुस्थल, और जब अर्ध शुष्क मरुस्थल का हम अध्ययन करते हैं तो पुनः चार भागों के अंदर बांटते हैं, जिसके अंदर घग्गर का मैदान और उसके बाद में सिकावटी आंतरिक अपतंत्र और उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि और उसके बाद में लूणी बेसिन जिसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इन चार भौतिक प्रदेश के अंदर विभाजित करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल को पुनः। तो इसका मतलब इसके अंदर एक नंबर आएगा, दो नंबर और चार नंबर आएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रभाव के लिए जाना जाता है? अब आंतरिक प्रभाव के लिए कौन सा जाना जाता है? सिकावटी आंतरिक प्रदेश जो कि आंतरिक अपतंत्र के रूप में जाना जाता है, और आंतरिक अपतंत्र की बात करें तो राजस्थान में 60% आंतरिक अपतंत्र पाया जाता है, और जिसमें राजस्थान में स्थित सबसे लंबी आंतरिक अपतंत्र की नदी कांतली नदी है, और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक नदी तो आपका आंसर होगा घग्गर नदी। और हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर हाड़ौती क्षेत्र होता है जो पठारी क्षेत्र होता है जिसका निर्माण क्रिटेशियस युग के अंदर हुआ था, और मध्य अरावली ये तो जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का भाग है? तो लूणी नदी बेसिन जो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का भाग है जिसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है,
लूणी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है किसको, गोडवाड़ प्रदेश को। और ये चंबल बेसिन है ये पूर्वी मैदान का भाग है, काली सिंध बेसिन ये भी पूर्वी नदी बेसिन का भाग है, और घग्गर बेसिन ये भी पश्चिमी मरुस्थल का भाग माना जाता है। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। हम अर्ध शुष्क मरुस्थल के हमने चार भाग देखे थे, इसमें कौन सा भाग शामिल है? इसमें गोडवार प्रदेश जिसे लूणी नदी बेसिन ये तो इसके अंदर भाग है, शेखावटी प्रदेश जिसे आंतरिक अपतंत्र प्रदेश बिल्कुल ये भी है, घग्गर नदी बेसिन ये भी है जिसे घग्गर नदी के अपतंत्र को हम नाली के नाम से जाना जाता है, किसे, नाली के नाम से। और जोधपुरी उच्च भूमि, जोधपुरी उच्च भूमि नहीं है, यहाँ पर क्या है, नागौरी उच्च भूमि, क्या है, नागौरी उच्च भूमि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान के बागर में समृद्ध नहीं है? जो आंतरिक अपतंत्र का मैदान है इसमें घोड़वाड़ प्रदेश इसमें है, नमकीने झीले हैं, लेकिन छप्पन का मैदान नहीं है, क्योंकि छप्पन का मैदान माई नदी के अपतंत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो ये छप्पन का मैदान जो मुख्यतः बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के अंदर फैला हुआ छप्पन का मैदान, और छप्पन के मैदान या माई नदी का जो किनारा होता है उसे हम कांठल के नाम से जाना जाते हैं, और कांठल की भूमि हम प्रतापगढ़ को कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ चार नंबर का। अगला क्वेश्चन, अब नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर या निम्न में से कौन सी है? तो पश्चिमी मरुस्थल की हमने औसत ऊंचाई देखी थी कि 200 से 300 मीटर पश्चिमी मरुस्थल की औसत ऊंचाई होती है, और नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर होती है। इसके अलावा आंतरिक अपतंत्र यानी कि आंतरिक अपतंत्र जिसे शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई होती है 450 मीटर, उसकी औसत ऊंचाई होती है। और अरावली पढ़ेंगे, अरावली की औसत ऊंचाई होती है 930 मीटर, अरावली की औसत ऊंचाई। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मरुस्थल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा 200 से 300 मीटर। और प्रश्न पूछे नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी, तो 300 से 500 मीटर। और यदि प्रश्न पूछे कि शेखावटी क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी, तो आपका आंसर होगा 450 मीटर। और अरावली की औसत ऊंचाई कितनी, तो आपका आंसर होगा 950। अगला क्वेश्चन, घग्गर का मैदान स्थित है। अब घग्गर का मैदान जिसे नाली के नाम से जाना जाता है, और ये घग्गर का मैदान मुख्यतः गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के अंदर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस अंचल को बागड़ भी कहा जाता है? तो हाड़ौती अंचल को दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र होता है, इसको नहीं कहा जाता है। शेखावटी अंचल को बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, दो नंबर को। और माही के मैदान को हम छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाते हैं, और बनास बेसिन या बनास का मैदान मुख्यतः चार भागों के अंदर बांटा जाता है, जो आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमिलित है, यानी कि सही युग्म कौन सा है? बागर बूंदी को कहते हैं, जी नहीं, बागर शेखावटी आंतरिक अपतंत्र जिसमें सीकर चूरू झुंझुनू क्षेत्र आता है, इसका मतलब एक नंबर हो नहीं सकता। बागड़ बांसवाड़ा को कहा जाता है, जी हाँ, वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा को कहा जाता है, और बांसवाड़ा के दो डूंगरपुर व प्रतापगढ़, इन तीनों क्षेत्रों का जो क्षेत्र होता है उसे हम वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्या गिरवा डूंगरपुर में, जी नहीं, गिरवा उदयपुर के अंदर, कहाँ है, उदयपुर के अंदर जो तस्तरी नुमा पहाड़ी पाई जाती है उसे हम गिरवा के नाम से जाना जाता है। भाकर शिखर में, जी नहीं, भाकर कहाँ है, तो भाकर सिरोही जिले के सुदूर पूर्व में स्थित ऊबड़ खाबड़ तिरव आकृति वाली पहाड़ियों को हम भाकर कहा जाता है, और ये भाकर कौन से जिले में, सिरोही के अंदर, कहाँ है, सिरोही जिले के अंदर भाकर है, कहाँ है, सिरोही जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ से प्रारंभ होती है, यानी कि अरावली की दक्षिणतम जड़ कौन सी है, यानी कि अरावली कहाँ से शुरुआत होती है अरावली की, तो
तो अरावली की शुरुआत मुख्यतः अरब सागर तल से होती है और अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी भाग अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के अंदर मिनिकाय द्वीप से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, क्योंकि अरावली की जो जड़ें होती हैं वह लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप से मानी जाती हैं। इस कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अबू पर्वत खंड जो कि इंसेलब्रग का उदाहरण माना जाता है, गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर में, जिसकी ऊंचाई 840 मीटर है, और पालनपुर कहाँ है, प्रतापगढ़, पालनपुर कहाँ है, गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन, जिस दिशा में अरावली सरणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है, एक क्वेश्चन आता है कि अरावली किस दिशा से किस दिशा की ओर फैली हुई है, आपका आंसर होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली फैली हुई है, और अरावली की कुल लंबाई 792 मीटर मानी जाती है, और राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर मानी जाती है, जो कि कुल किलोमीटर का कम से कम 80% मानी जाती है, और ये पालनपुर खेड़ ब्रह्म स्थान से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। लेकिन अरावली की चौड़ाई या अरावली की ऊंचाई किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ती है, तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आने पर अरावली की चौड़ाई के अंदर भी वृद्धि होती है और अरावली की ऊंचाई के अंदर भी वृद्धि होती है। उसी तरह हमने मरुस्थल देखा था कि मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है वह दक्षिण पश्चिम से, कहाँ से मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। लेकिन हमने देखा था कि मरुस्थल की ढार जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो उसी तरह अरावली का विस्तार या अरावली किस दिशा की ओर फैली हुई है, आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि अरावली की चौड़ाई व ऊंचाई के अंदर वृद्धि कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर होती है, तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली की लगातार चौड़ाई व ऊंचाई में लगातार वृद्धि होती है, तो इसका आंसर हुआ एक नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, जो गोंडवाना लैंड के भाग है उनका नाम है अबू पर्वत सिरोही में पाए जाते हैं, नागपाड़ जो 795 मीटर अजमेर पाए जाते हैं, विद्यनगर क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र अरावली, तो ये अरावली पर्वत प्रदेश जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है, जो जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग के अंदर हुआ था, प्री कैम्बियन युग के अंदर इसका निर्माण हुआ था, और जब इसका निर्माण हुआ था उस समय अरावली पर्वतमाला नवीन वलित पर्वत कहा जाता था, और वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। और अरावली कौन सी प्लेट से अलग हुई, तो अरावली यूरेशियन प्लेट, कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट से अरावली अलग हुई थी, और अरावली की कुल लंबाई 792 किलोमीटर है और राजस्थान में कुल 550 किलोमीटर मानी जाती है, और अरावली का पिता अरब सागर कहा जाता है, क्योंकि अरावली की जड़ें जो लक्षद्वीप की मिनिकॉय द्वीप तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है, अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर खेड़ ब्रह्म स्थान से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक 792 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इस अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, और फिर अगली क्लास के अंदर फिर अरावली से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।